हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज की क्लास है हमारी पर्यावरण की, ठीक है। पर्यावरण में हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था, है ना। पर्यावरण के पहले पार्ट में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? पहला चैप्टर था हमारा पर्यावरण को जाने, जिसमें मैंने क्लियर तरीके से समझा दिया था उस वीडियो में। आज का जो हमारा पार्ट है वो है क्या, हमारे प्राकृतिक संसाधन पार्ट दो, कक्षा 6, 7, 8 तीनों के लिए, ठीक है। तो आठ का जो हमारा पाठ है वो क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन। देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिसोर्स या संसाधन को समझना है सबसे पहले हमको, ठीक है। सबसे पहले संसाधन, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, संसाधन का मतलब क्या होता है। एक मिनट, अब आवाज क्लियर आ रही होगी, है ना। सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन के बारे में। देखो तो संसाधन क्या होता है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिनसे हम अपनी जरूरत को, अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, वही संसाधन या रिसोर्स कहलाते हैं। तो इस डेफिनेशन को तुम लोग लिख लो, फटाक से लिख लो, फिर इसके आगे फिर कायदे से पढ़ाते हैं, ठीक है। है ना। तो डेफिनेशन क्या है, हमारे आसपास स्थित हर वह वस्तु जिसका प्रयोग हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वही क्या है कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उसको हम अपनी जरूरत के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हो, वही क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेस कहलाते हैं या संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, हम पढ़ेंगे हमारे प्राकृतिक संसाधन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से लिख लेना, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ना, इसमें दो पॉइंट्स हमें समझने हैं। यहां बात कर रहा है किसकी, हमारे प्राकृतिक संसाधन। यहां दो पॉइंट्स है, एक है हमारा प्राकृतिक और दूसरा है हमारा क्या, संसाधन, है ना। एक क्या है, प्राकृतिक है, और दूसरा क्या है, संसाधन है। देखो प्राकृतिक से मतलब होता है नेचर से, यानी जिन चीजों पर इंसानों, जिन चीजों को इंसानों ने नहीं बनाया, उनका कोई हस्तक्षेप ना हो, वो चीजें हमें कहां से मिली हो, प्रकृति से मिली हो। और संसाधन मतलब वो चीजें जो हमारे इस्तेमाल में आने वाली चीजें हो। तो मतलब समझ में आ रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन का मतलब हो गया कि वह संसाधन जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जिनको इंसानों, जिनको बनाने में इंसानों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, ऐसे संसाधन जिनका हम उपयोग करते हो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वही संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। वही संसाधन क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति से हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, प्रकृति से अगर हम बात करें तो प्रकृति से हमें हवा मिलती है ना, और पानी मिलता है, और क्या मिलती है, मिट्टी मिलती है, जमीन जिसको हम बोल सकते हैं, और क्या क्या चीजें मिलती हैं प्रकृति से हमें, हवा, पानी, मिट्टी, है ना, जल, ये सारी चीजें हमें कहां से मिल रही हैं, नेचर से मिल रही हैं, प्रकृति से मिल रही हैं। और इन चीजों का संसाधन कौन सी चीज होती है, संसाधन वह चीज होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। क्या इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी, जैसे मिट्टी का इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं भाई, कृषि के लिए करते हैं, खेती के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल फसलें उगाते हैं ना, उसमें हम एक संसाधन के रूप में मिट्टी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं पानी का इस्तेमाल, है ना। पानी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, पीने के लिए करते हैं हम पानी का इस्तेमाल, और किस चीज के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, है ना। हवा का इस्तेमाल, हवा से हमें ऑक्सीजन तो मिल ही रही है ना। तो एक सिंपल सी चीज समझने वाली बात है कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, जो प्रकृति में पहले से मौजूद हैं, जिनको इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, और उनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल भी निशुल्क बोल दिया जाए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का आपको एक रुपया खर्च नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी सेवा वो प्राकृतिक संसाधन प्रदान करेंगे, ठीक है, वही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगर किताब की बात करें आपकी, तो किताब में क्या है, सिंपल सा, वह वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा हम जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसी चीजें जो हमें प्रकृति से मिल रही हो, जिसपे हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वह संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी,
मिट्टी इत्यादि, ठीक है, यही होते हैं हमारे क्या प्राकृतिक संसाधन। इतनी चीज क्लियर हुई, संसाधन की डेफिनेशन बता दी थी ना। संसाधन इससे पहले जो लिखा था उसका था कि वह चीजें जिनका इस्तेमाल हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपनी विभिन्न अलग अलग प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करें, वह संसाधन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, प्राकृतिक संसाधन, मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हों, जिसमें हम किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें या ना कर पाए, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि। ठीक, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर इनको हम डिवाइड करें, इनका वर्गीकरण करें प्राकृतिक संसाधन का, तो प्राकृतिक संसाधन को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ध्यान से समझना, अगर हम प्राकृतिक संसाधन का क्या करें, इसका वर्गीकरण करें, प्राकृतिक संसाधन का क्या करें, वर्गीकरण करें, या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं जिसको हम, क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन। प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये कितने भागों में बांटा जा सकता है, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार से बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, एक होता है क्या, जैविक, और दूसरा होता है अजैविक। ठीक है, एक होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। ठीक, अब जैविक का मतलब हो गया तुम्हारा लिविंग थिंग्स, लिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना। ऐसी जैविक का मतलब हो गया जिन चीजों में जान बसती हो, जिनमें सांसें चलती हो, जो जिंदा चीजें हो, वह जैविक हो जाएंगी। अजैविक चीज मतलब जो जीवित अवस्था में नहीं होती, जिनमें सांसें नहीं चलती। ठीक है, जैविक की बात करें तो जैविक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते है। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम जैविक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और अजैविक को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम जैविक की, तो जैविक में हम अगर डिवाइड करें तो ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें एक होता है पादप में और दूसरा हो जाता है जंतु में। ठीक है, एक हमारा डिवाइड होता है पादप में और दूसरा होता है जंतु में, या सीधे सीधे जंतु या वनस्पति बोल सकते हैं। पहला जो डिवाइड करेंगे वो किसमें करेंगे, जंतु में करेंगे, और दूसरा इसको डिवाइड करेंगे तो कितने में करेंगे, वनस्पति में। ठीक है, जैविक संसाधनों को भी हम कितने भाग में डिवाइड कर दिया, हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, और अजैविक संसाधन को भी कितने भाग में डिवाइड करेंगे, हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो दो भाग क्या होंगे, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल सोर्स, या जिसको हम बोलते हैं नवकरणीय। ठीक है, या नवकरणीय भी बोल सकते हैं, नवकरणीय और अनवकरणीय। ठीक है, नवकरणीय मतलब रिन्यूएबल सोर्स, और अनवकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स। ठीक, यहां अगर जैविक की बात करें तो ये तुम्हारा हो जाएगा लिविंग थिंग्स, ठीक है, अजैविक में हो जाएगा तुम्हारा नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक, अब समझो ध्यान से, तो बात करें हम किसकी, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको हम कित मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक मतलब लिविंग थिंग्स, अजैविक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। जैविक का मतलब है वह चीजें जिनमें जान हो, जो जिंदा चीजें हों, उसी को हम जैविक संसाधन कहते हैं, और अजैविक मतलब जिसके अंदर जान ना हो, जो जीवित अवस्था में ना हो, उसे हम अजैविक या नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ठीक है, और जैविक को भी हम कितने भाग में डिवाइड किया, हमने इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक जंतु में और दूसरा वनस्पति में। ठीक है, किसमें किसमें डिवाइड कर दिया, जंतु में और वनस्पति में। अब जंतु में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं भाई, उसमें पशु, पक्षी, इंसान भी आ जाएंगे, है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। पशु पक्षी भी सांस लेते हैं ना, जिंदा अवस्था में होते हैं, और इंसान हो गए, मछलियां हो गई, है ना, ये सारी चीजें क्यों, कौन से संसाधन में आते हैं, जैविक के अंदर जंतु में आते हैं। ठीक है, वनस्पति में अब देख लो, पेड़ पौधे, फूल, पत्ती,
आम है ना, आम के पेड़ हो गए, सेब के पेड़ हो गए, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, हमारी वनस्पतियों के अंदर आ जाती हैं। अब एक चीज देखो, जितनी भी चीजें मैंने बताई, जैसे इसके अंदर जो भी जानवर वगैरह आ गए, इंसान आ गए है ना, और पानी के जीव आ गए, पक्षी आ गए, क्या इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? है ना, बहुत से लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मांसाहारी होते हैं, मुर्गा खाते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों को पकाकर खाते भी हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको संसाधन के रूप में यूज हो रहा है। गाय भैंस पालते हैं हम, किस लिए पालते हैं भाई? उससे हमको दूध मिल रहा है, दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, तो इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें होगी जंतु वाली। वनस्पतियों में आ जाए तो आम हो गया, पेड़ हो गया, पौधे हो गए, और ढेर सारी वनस्पतियां होंगी जिनका भी इस्तेमाल हम करते हैं अपने अलग अलग कामों को लेकर। तो जैविक के अंदर ये सारी चीजें आ गई। फिर अजैविक की अगर बात करें तो इसमें एक है नवकरणीय और दूसरा है अनवकरणीय, यानी रीन्यूएबल सोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस या रिसोर्सेस। अब देखो, रीन्यूएबल और नवकरणीय और अनवकरणीय में ना, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी ये भी आगे अलग से पूरा समझाते हैं। इतनी चीज होगी ना, इतनी चीजें नोट डाउन कर लो ठीक है फटाक से, फिर इसके आगे का समझाते हैं। जैविक वाला क्लियर हुआ कि जैविक में हमारे दो हो गए, एक हमारा जीव जंतु हो गए और हमारा वनस्पतियां हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, अजैविक संसाधन की। किसकी बात करते हैं? अजैविक संसाधन की, ठीक है। अजैविक संसाधन में अगर हम चले तो इसको भी हमने अभी कितने भाग में डिवाइड किया था, इसको भी हमने दो भाग में डिवाइड किया था, है ना? कितने भाग में डिवाइड किया था इसको? हमने दो भाग में डिवाइड किया था, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। पहला हमारा क्या है? रीन्यूएबल सोर्सेस, रीन्यूएबल सोर्स मतलब नवकरणीय, संसाधन। दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, या अनवकरणीय, ठीक है, नवकरणीय और अनवकरणीय संसाधन। अब अगर हम सबसे पहले बात करें रिन्यूएबल सोर्स, तो रिन्यूएबल सोर्स क्या होते हैं? रीन्यूएबल सोर्स वह सोर्स होते हैं, या नवकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं, जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद हम उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सकें, यानी उसका हम बार बार अपने काम में प्रयोग कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार चीज खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा से इस्तेमाल ना कर सकें। यानी नवकरणीय संसाधन के अंदर वह संसाधन आते हैं, वह चीजें आती हैं जिनका हम बार बार अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग कर सकते हो। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो इसमें चार चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं, ठीक है। नवकरणीय सोर्सेस के अंदर कितनी चीजें आती हैं? चार इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है हमारा वायु, मिट्टी, जल और सौर ऊर्जा, ठीक है। ये चार चीजें जो आती हैं वो किस प्रकार के संसाधन में आते हैं? ये नवकरणीय संसाधन के अंदर आते हैं। अच्छा, वायु देखो, हमारे चारों ओर सराउंडिंग में वायु है ना, एक बार हमने हवा ले ली, सांस ले ली, या वायु से हमने कुछ भी काम कर लिया, तो क्या दोबारा वो वायु खत्म हो जाती है? हमको नहीं मिलती, मिलती है ना। हम इसका बार बार अपनी कामों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी की बात करें तो इसमें हम बार बार, एक बार हमने कोई पेड़ लगा दिया तो क्या उस मिट्टी में दोबारा कोई पेड़ या पौधा नहीं उगा सकते हैं? या हमने खेतों की मिट्टी पर फसल उगाई, एक बार फसल काट ली तो क्या उसमें दोबारा फसल नहीं उगेगी? उगेगी ना। यानी कि ये सारी चीजें क्या है, कितनी बार इस्तेमाल हो सकती है? इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। बात करें जल की, तो जल का इस्तेमाल भी हम बार बार कर सकते हैं भाई। हमारी बॉडी में देखा जाए तो 60 से 70%, लगभग 70% हमारी बॉडी में पानी है। इसका इस्तेमाल क्या हम नहीं करते? पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, धोने के लिए करते हैं, ढेर सारी ऐसी हमारी जरूरतें हैं जिसका इस्तेमाल हम, जिसके इस्तेमाल के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं, और ये बार बार इस्तेमाल में आने वाली चीजें, इसीलिए इसको नवकरणीय सोर्सेस भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूरज
से जो हमें ऊर्जा मिलती है भाई, हम उससे प्रकाश भी मिल रहा है, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उससे हमें ढेर सारी चीजें, अगर हम देखी जाए तो सौर ऊर्जा भी इतनी अधिक मात्रा में हमारे पास है कि इसका इस्तेमाल हम बार बार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में ये समझो कि नवकरणीय संसाधन वह संसाधन कहलाते हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में बार बार अलग अलग तरीके से इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीजें हैं, या बात की जाए तो ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद उसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके अपोजिट साइड पर अगर देखो तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी अनवकरणीय संसाधन, इसको नोट कर लो पहले, ठीक। अनवकरणीय सोर्स या नॉन रिन्यूएबल सोर्स, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो इसमें दो प्रकार से बांटा गया है इसको। कितने प्रकार से? दो प्रकार से बांटा गया, एक खनिज और दूसरा जीवाश्म ईंधन। इसको भी कितने प्रकार से बांट दिया गया? दो प्रकार से डिवाइड किया गया, एक खनिज और दूसरा जीवाश्म ईंधन। पहला इसका जो प्रकार है क्या है? खनिज। इसमें क्या चीजें मिलती है? खनिज मिलता है हमें, और क्या मिलता है? जीवाश्म ईंधन मिलता है। ठीक, अब समझो सबसे पहले खनिज, खनिज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो खनिज की अगर हम बात करें तो खनिज में कौन कौन सी चीजें हैं भाई? जमीन के अंदर समय खनिज में क्या क्या मिलता है? कोयला मिल जाता है ना, और क्या मिल जाता है? तांबा मिल जाता है, लोहा मिल जाता है। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं जमीन के अंदर से ही मिलती, धरती के अंदर से मिलती, लेकिन ये चीजें किसमें है? एक लिमिटेड अवस्था में है, यानी सीमित अवस्था में ये सारी चीजें हैं हमारे पास। खनिज, जो भी खनिज धातु, जो भी चीजें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, कोयला हो, लोहा हो, अभ्रक हो, ये सारी चीजें सीमित मात्रा में है। यानी कि अगर जैसे एग्जाम्पल हमने कोयले को जला लिया, कोयला लिया, कोयला भी क्या है? खनिज है। कोयले को हमने जला दिया, आग जला दी, आग जल गई। अब आग जलने के बाद वो कोयले का इस्तेमाल है क्या? दोबारा से हम आग जला सकते हैं उसमें? नहीं ना, इसीलिए सीमित मात्रा में, यानी एक बार अगर आपने उस चीज का इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा आप उसका इस्तेमाल उसी चीज के लिए नहीं कर सकते हैं, वो सीमित अवस्था में धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? खत्म होती जाएंगी। जैसे तुम्हारी 3 रुपए वाली, जो 4 रुपए वाली पेन होती है ना, उसमें रिफिल तो डलती नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं हम? जैसे जैसे लिखना करें, जैसे जैसे वो रिफिल उसकी कम होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी रिफिल खत्म हो जाएगी, क्या दोबारा उसमें लिख पाओगे? नहीं, उसको हमें मजबूरी में क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है ना। तो वैसे समझ लो ये खनिज है, अनवकरणीय या नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी ऐसे ही होते हैं, एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवाश्म ईंधन है। अब जीवाश्म ईंधन में क्या क्या चीजें आ जाती है इसमें? जैसे तुम्हारा पेट्रोल हो गया है ना, और क्या हो गया? डीजल हो गया, और केरोसिन हो गया, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल हो गया, और भी ढेर सारी चीजें, ये सारे जीवाश्म ईंधन है ना। ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा उनका इस्तेमाल नहीं किया सकता, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे आपने 1 लीटर बाइक में पेट्रोल डाला है ना, बाइक में आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, अब यहां से चले गए बमरौली तक, वो पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज खत्म हो जाएगी। उसी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स, कि जैसे जैसे हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे वो धीरे 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 कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। तो समझ में आया, अजैविक संसाधन में 2 टाइप्स हैं, एक है हमारा रिन्यूएबल यानी जिसका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सौर ऊर्जा, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल सोर्स यानी अनवकरणीय संसाधन, यानी जिसका हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज? तो यही, इन्हीं चीज की अगर हम बात करें तो यही हमारे प्राकृतिक संसाधन थे। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? प्राकृतिक संसाधन के अंतर ही आती है। ठीक, क्लियर हुआ? चलो, और देखो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो देखो बहुत सी चीजें, जैसे अब अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं ना, जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा मतलब जो सूरज से हमको रोशनी मिल रही है, सूरज की रोशनी से हमें क्या क्या मिलता है? एक तो हमें सौर ऊर्जा से हमें क्या क्या चीजें मिलती है? प्रकाश मिलता है ना, रोशनी मिलती है, और क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमें। सूरज की रोशनी हमारी स्किन पर जब पड़ती है तो हमारी स्किन क्या बनाती है? विटामिन डी बनाती है। ठीक है,
और भी अलग अलग प्रकार से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल हम किसमें कर सकते हैं, नहाने धोने पीने ढेर सारी चीजों में इस्तेमाल, सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी का इस्तेमाल हम फसल उगाने के लिए, मकान बनाने के लिए और भी ढेर सारी तरीकों से कर सकते हैं। वायु का इस्तेमाल हम जीवित रहने के लिए भी करते हैं और भी अलग अलग पवन चक्की वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, बिजली बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जल का इस्तेमाल भी हम बिजली बनाने में कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल भी हम बिजली बनाने में कर सकते हैं। इसीलिए रीन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इनका हम अलग अलग तरीकों से बार बार इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं हम थोड़े से, इसमें दो चार क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के मैं फोटो क्वेश्चंस का फोटो क्लिक करके हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है, लेकिन उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। अभी मैंने बताया ना कि हम अपनी दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैंने बताया कि संसाधन, हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और साथ में वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो अभी जो पहले, इसके पहले जो चार्ट मैंने बताया था ना, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं जैविक और एक होते हैं अजैविक। जैविक के अंदर तुम्हारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, पेड़ पौधे जीव जंतु, है ना, इन सब का हम क्या करते हैं भाई, पेड़ पौधों से हम फल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, है ना। जीव जंतुओं की बात करें तो उनसे हमको दूध मिलता है, ऊन मिलती है, हम उनको नॉन वेजिटेरियन है तो हम उनको छोटे छोटे जो जीव है मुर्गा मुर्गी उनको खाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं, है ना। वही संसाधन प्रकृति में जो मौजूद है उनका हम इस्तेमाल भी अपनी जरूरतों के लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और इसी में नॉन रिन्यूएबल भी प्राकृतिक संसाधन के ही अंदर आते हैं, खनिज हो गया, पेट्रोल। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं उनके नाम लिख दे रहे हैं, और प्लस उनसे यही सब प्राकृतिक संसाधन वायु मिट्टी जल सौर ऊर्जा खनिज जीवाश्म ईंधन पेट्रोल डीजल, इनसे आप क्या क्या इनका आप उपयोग अपने जीवन में करते हैं उनके बारे में लिख देना। दूसरा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में जल का उपयोग क्या है और साथ ही जल का दुरुपयोग को रोकने के उपाय बताइए। भाई आज की लाइफस्टाइल में देखा जाए तो पानी ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, हमको पीने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, धोने के लिए कपड़े धोने के लिए चाहिए, गाड़ियां धोने के लिए, जानवरों को पानी पिलाने के लिए चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। लगभग देखा जाए तो लगभग सारे काम में हमें पानी की जरूरत होती है, इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। लेकिन अब ये भी है कि पानी का अगर हम गलत उपयोग करेंगे तो पीने के लिए पानी और खाना बनाने के लिए पानी जो हमें मिलता है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। लेकिन अगर इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें पीने के पानी की या पीने के पानी के लिए हम तरस जाएंगे, ऐसे बोला जाए सीधे सीधे, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना जल ही जीवन है। तो हमें पानी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से बचाना चाहिए, उसका दुरुपयोग करने के लिए हमें, दुरुपयोग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ बचाव करने चाहिए, कुछ उपाय करने चाहिए। अब आप ही बताओ अगर हमें पानी को बचाना है या पानी का दुरुपयोग ना हो पाए उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे बारिश का मौसम आने वाला है या बारिश का मौसम आ गया है तो बारिश के मौसम में हम क्या कर सकते हैं, जो बारिश का पानी आ रहा है छत के थ्रू या बाहर के थ्रू जो पानी बह करके सब वेस्ट हो जाता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, घरों में उस बारिश के पानी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, टैंक के अंदर तालाब खुदवा कर बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, और उस पानी को हम जानवरों को नहलाने धुलाने कपड़े धुलने इन सब गाड़ियां धुलने इन सब कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इससे क्या होगा, पीने का पानी हमारा सुरक्षित रहेगा, है ना। अगर हम पीने के पानी से ही हम अपनी गाड़ियां धुलेंगे और भी चीजें जो जिनको हम दूसरे पानी से भी कर सकते हैं, अगर उसको हम पीने के पानी से इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं पीने के पानी की हमारे पास कमी होगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, है ना। साथ में फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग होने से बचाना, यानी जंगलों को बचाने की कोशिश करना ही है, क्योंकि पेड़ पौधे रहेंगे तभी बारिश होगी, बारिश होगी तभी हमें पानी प्राप्त होगा, इसलिए हमें पेड़ पौधों को भी बचाना चाहिए, है ना। इस तरीके से हम पानी का दुरुपयोग होने से बचा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं पांच पदार्थों के नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, भूमि यानी जमीन से या मिट्टी से जो हमें ऐसे पांच पदार्थों के नाम आपको बताने हैं जो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, कौन कौन से मिट्टी से प्राप्त होते हैं भाई, ये भी बताया। जीवाश्म ईंधन कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है ना, पेट्रोल है डीजल है केरोसिन है कोयला है ना, और भी ढेर सारी चीजें हैं, ठीक है, सोच करके इसको लिखना। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा हमारे जीवन में के लिए क्यों आवश्यक है भाई? सन एनर्जी या सोलार एनर्जी या सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों एनर्जी? पहली चीज कि भाई हमें क्या देता है, प्रकाश देता है, लाइट देता है, उजाला देता है, साथ में ये हमारी बॉडी में क्या बनाता है, विटामिन डी बनाता है। और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई? पेड़ पौधे भी सूरज की रोशनी से ही अपना खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस से। उनको जीवित रहने के लिए भी तो चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जीवित रहेंगे तो हमें शुद्ध हवा मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इस प्रकार से सौर ऊर्जा क्या है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको भी आराम से लिख लोगे आप लोग। वायु का जीवन में क्या महत्व है? अब वायु का जीवन में क्या महत्व भाई? हम सांस लेते तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है हमें? जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन, जो वायु है जिसमें ढेर सारी गैस है, उसमें साथ ही साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। वो ऑक्सीजन हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके जीवित रहने के लिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो फिर जीवन का क्या हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए हवा भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों कहा गया ना कि बिना पानी के तो हम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा के हम कुछ मिनट में ही क्या हो जाएंगे, टह बोल जाएंगे, यानी राम नाम सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए वायु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, सही मिलान का। जैसे पूछा है वायु, तो वायु का क्या हो जाएगा इसमें? वायु से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलती है। जल क्या है? अब इसमें दिया है हमारे शरीर का 70% भाग बना, यानी बॉडी हमारे शरीर में कितना प्रतिशत भाग पानी का है, 70% है। फिर भूमि दिया है, भूमि से क्या होता है भाई? भूमि के अंदर ढेर सारे खनिज का भंडार है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोयला है, ढेर सारे क्या है, खनिजों का भंडार है। फिर लास्ट में सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है, विटामिन डी मिलती है। सारे क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे शाम को क्लास के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, हमारे प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्लास देखेंगे किस चीज की पढ़ानी भी। हम सोच रहे हैं कि आपका यही पर्यावरण का ही अगला चैप्टर रखें। ठीक है, अगर पर्यावरण नहीं पढ़ाए तो फिर साइंस का या फिजिकल एजुकेशन की क्लास रहेगी। ठीक, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। कोशिश करना सारे के सारे बच्चे साथ में कनेक्ट हुआ करो क्लास में। ठीक है, ओके।